कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए कोविड-19 संक्रमित परीक्षार्थियों के बारे में लिए गए निर्णय में बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जो भी विद्यार्थी कोरोना संक्रमित होगा उसकी वार्षिक परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी। हालांकि इससे पहले बोर्ड ने कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा उसी दिन अलग कक्ष में करवाने की बात कही थी, लेकिन अब सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों की परीक्षा उनके स्वस्थ होने व 13 अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद आयोजित की जाएगी। इन परीक्षार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड फिर से डेट शीट बनाएगा तथा दोबारा उनके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग के लिए डीसी सीएमओ सहित पुलिस विभाग को भी पत्र लिख दिया है। परीक्षार्थी का तापमान अधिक पाया जाता है या फिर उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस परीक्षार्थी के कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग से सहयोग लिया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की भी सहायता ली जाएगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले परीक्षार्थी भी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। वहीं यदि किसी परीक्षार्थी के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव है तो परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेगा, बशर्ते परीक्षार्थी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में ड्यूटी देने वाले अध्यापकों की भी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों से कोविड टेस्ट करवाने का आग्रह किया गया है और कोविड-19 फ्री अध्यापकों की ड्यूटी ही परीक्षा के दौरान लगाई जाएगी। पहले कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब मामले बढ़ रहे हैं, तो हमने फैसला ये किया था कि कोविड पॉजिटिव भी यदि कोई बच्चे होंगे तो उन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हम साइमल्टेनियसली लेंगे। उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था और कोविड एग्ज़ाम सेंटर में एक ऐसा बना के तो रहेगा, और उसमें हमें सारी सपोर्ट प्रशासन से भी और मेडिकल डिपार्टमेंट से लेनी थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, तो एहतियात बरतने के लिए पहले ये मामला सारा डिप्टी डायरेक्टर्स और जिला के एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल विभाग के जितने सीएमओ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे चर्चा की गई कि क्या हम साइमल्टेनियसली कर लें या नहीं। आशंका ये थी कि इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकते हैं कोविड पॉजिटिव तो उसमें क्या करें, तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की है हमने कि जो कन्फर्म्ड केसेस हैं कोविड के उनका हम स्पेशल एग्ज़ाम एक महीने के अंदर अंदर या एक महीने के आसपास हम ले लेंगे, और उन विद्यार्थियों को भी हमने एक विंडो खोल दी है कि वो ठीक है संक्रमण के काल में आइसोलेटेड रहें और बाद में उनका एग्ज़ाम। इसके लिए पेपर सेटिंग भी जैसा अभी पेपर आ रहा है उसी लेवल का पेपर रहेगा और उनका अलग से एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, एक और व्यवस्था की है कि ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिनमें कि टेम्परेचर है या फ्लू के लक्षण है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, देखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसे कोई विद्यार्थी होंगे उनको अलग कक्ष में बिठाया जाएगा और नॉर्मल विद्यार्थियों के साथ नहीं बिठाया जाएगा, और जो अध्यापक होंगे उनका भी थर्मल स्कैनिंग होगा, और उनसे हमने आग्रह भी किया है कि अपना कोविड टेस्ट करा लें और कोविड फ्री जो अध्यापक होंगे उनको ही एग्ज़ाम ड्यूटी पे रहने दिया जाए।